guys. So in today's makeup video, today is not going to be makeup video. Hello guys. So in today's video, we are going to be learning about how to do prosthetic makeup / SFX. So basically what this makeup is, मेरे से definition याद नहीं हो रही तो मैं पढ़ के बोलूँगी. तो prosthetic और SFX special effects makeup is practiced to achieve an uncommon special look. It could be seen in movies where the characters have distorted, injured face. Disformed body parts, such effects are results of prosthetic makeup. कभी कभी अपनी writing समझ नहीं आती. And it usually takes a long time. मेरे को भी समझ नहीं आया अभी जो मैंने बोला. तो basically ये क्या makeup होता है, जैसे कि आपने movies वगैरह में देखा होगा, जो भी injuries होती है actor को, जो भी film में काम कर रहे होते हैं, किसी को भी कुछ भी injury होती है, तो basically ये makeup वो injury बनाने के काम आता है. तो उसको कहते हैं prosthetic makeup, जो भी procedure होता है वो injury बनाने का. Secondly, आपने movies देखी होंगी जिसमें पूरा hero का face change हो जाता है. जैसे कि movie है एक शाहरुख खान की Fan, जिसमें एक्ट तो शाहरुख खान ही कर रहा है, वो फैन का जो रोल का वो फैन का जो रोल है वो प्ले तो शाहरुख खान ही कर रहा है, बट उसका फेस कैसे चेंज हो जाता है, वो फेस उसको प्रोस्थेटिक मेकअप से ही चेंज होता है. बट तो आज हम वो तो नहीं करेंगे फेस चेंज, आज हम करेंगे इंजरी बनाने का काम. आज हम एक इंजरी बनाएंगे. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सप्लाइज यू विल नीड. तो मैं सप्लाइज़ के बारे में बता देती हूँ. मैक्सिमम जो सप्लाई है वो आपके घर में अवेलेबल होगी ही होगी, प्लस एक दो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कैसे बनाया जा सकता है बिना कुछ परचेज की. तो अभी हम सप्लाइज़ देखते हैं एक एक करके कि हमें क्या क्या सप्लाइज चाहिए होगी. सबसे पहले चाहिए होगा हमें टिश्यू, फेविकॉल, वाटर, फाउंडेशन और कंसीलर, हेयर ड्रायर, पेंट, वाटर कलर्स, सीजर्स, आई शेडो. तो फिर इसमें से मैक्सिमम चीज़ें तो आपके घर में होंगी. जो चीज़ें मेरे को डाउट है जो आपके घर में नहीं हो सकती वो है फाउंडेशन एंड कंसीलर और आई शेडोज. तो फाउंडेशन और कंसीलर का भी मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट बनाएंगे उसका अभी हम देखते हैं. और आई शेडोज़ का कुछ सब्स्टिट्यूट बन ही नहीं सकता, तो आई शेडोज़ की जगह आई शेडोज़ ही चाहिए होंगे. तो देखा जाए तो मिनिमम एक चीज़ है जो आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है, जो कि है आई शेडोज़. सो या वी विल सी. थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देती हूँ स्टेप्स की तरफ बढ़ने से पहले. ये मेकअप सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे हेलोवीन के टाइम पे सबके फीड में ये मेकअप तो आते ही आता होगा जिसमें फेक इंजरीज वगैरह बनाते हैं. तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, बट उन सब वीडियोस में जो भी वो मटेरियल यूज़ कर रहे थे वो ईजिली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, और अवेलेबल है भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और लोग क्यों खरीदेंगे सिर्फ एक दिन के लिए इतना सारा सामान. तो फिर इसलिए मैंने घर के चीज़ों से ही बनाने की कोशिश की, प्रोस्थेटिक मेकअप प्रोस्थेटिक घर के सामानों से ही बनाने की कोशिश की, और वो बन गया. मतलब कहीं हद तक 90% आई थिंक वो रियल लगता है. तो फिर फर्स्ट टाइम जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो आई थिंक 2017 या 18 में अटेम्प्ट किया था. वो तब तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, बट अभी मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा कमियाँ निकलती हैं उसमें. सेकेंड टाइम जब मैंने अटैम्प्ट किया था वो अपने फेस पे किया था, जो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी करके. तो मेरा 2-3 दिन तक फेस लाल ही रहा था, ऐसे लग रहा था किसी ने थप्पड़ मार दिया है. और थर्ड टाइम जो मैंने किया वो इस वीडियो के लिए किया था, मेरे को देखना था कि अभी मैं कर पा रही हूँ या फिर नहीं, तो मैंने हाथ पे किया था. और फोर्थ टाइम भी मैं इसी वीडियो के लिए करूँगी, जो कि पार्ट मेरे को अभी शूट करना है जो इस वीडियो के साथ साथ चलेगा. तो बेसिकली करने में तो टाइम लगता ही है. तो देखते हैं स्टेप्स क्या क्या, कैसे कैसे बनता है प्रोस्थेटिक मेकअप. तो सबसे पहला स्टेप है कि यू हैव टू मेक अ कंकॉक्शन ऑफ इक्वल पोर्शन ऑफ वाटर प्लस फेविकॉल. और ये कंकॉक्शन हमारा स्किन का जो अनइवन टेक्सचर होता है वो बनाने में काम आएगा. और सेकेंडली आपको टिश्यूज पेपर फाड़ लेने हैं हल्के हल्के पीसेज में, और अनइवनली फाड़ना है, सीजर्स की हेल्प से नहीं फाड़ना, अपने हाथों की हेल्प से ही फाड़ना है ताकि वो अनइवन लगे. सेकेंड स्टेप है, आपने सपोज़ आप हाथ पे वो प्रोस्थेटिक मेकअप करना चाहते हो. मैंने एक बार यहाँ पे ट्राई किया था करने का, तो ये मेन स्पॉट था इंजरी का. तो बेसिकली क्या करना है, टिश्यू लेना है,
फेविकॉल लेने जो भी हमने कंकॉक्शन बनाया था और पेस्ट करते जाने, एकदम अनइवनली एकदम उभरा उभरा दिखना चाहिए बेसिकली अगर मैं कहूँ तो, लगाते जाने। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ बीच में करना है, यहाँ से अभी हम उसको कट करेंगे सीजर से, वो मेन टारगेट होगा हमारा इंजरी का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड निकलेगा प्लस सबसे ज़्यादा डेप्थ भी उसी एरिया में होगी। तो फिर हमें ये प्रोसीजर रिपीट करते जाना है। तो हमने थोड़ा सा पोर्शन बनाया, उसके बाद अपना हेयर ड्राई लेना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है, उसके बाद अगेन थोड़ा सा टिश्यू और फेविकॉल लेना है और थोड़ी सी स्किन और बनानी है, मतलब ये पार्टीशन में काम करना है। पहले थोड़ा सा टिश्यू फेविकॉल, उसके बाद हेयर ड्राई, फिर थोड़ा सा टिश्यू फेविकॉल से काम करना है, उसके बाद हेयर ड्राई। अगर आप सारा प्रोसीजर एक ही बार में करके हेयर ड्रायर में लास्ट में ड्राई करोगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और फिर भी अंदर से वो गीला गीला रह ही जाता है, तो फिर हमें पार्टीशन ब्रेक कर करके इसको ड्राई करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारा मेन वो फोकस रहेगा इंजरी का, बाकी जो इधर इधर के टिश्यूज है ना वो अच्छे से ब्लेंड करने, उसको ज़्यादा अनइवनली नहीं लगाना है, जितना हम स्किन के दूर दूर जाते रहेंगे उतना वो स्मूथ स्मूथ हमें टिश्यूज लगाते जाने हैं। और हम फेविकॉल भी लगा सकते हैं इधर उधर एरिया में अगर फेविकॉल एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि सूखने के बाद उसमें ना रिंकल्स बन जाते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो एरिया बर्नड है, तो इससे हमें ये एकदम एडिशनल पॉइंट है हमारी इंजरी का कि वो और ज़्यादा इससे रियल लगे। इसके बाद ये प्रोसीजर हमें रिपीट करते रहना है जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। तो जब हम पूरा सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके बाद हमें इसको बीच में से कट देना है, यहाँ से हमारा ब्लड मेनली निकलेगा तो फिर हमें वहाँ से कट करना है। Thank you.
है। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो फिर आप वाटर कलर से फाउंडेशन बना सकते हैं, जो कि आई थिंक बनता है वाइट कलर मिलाने से और रेड कलर मिलाने से और येलो कलर मिलाने से और आई थिंक थोड़ा सा ब्लू, मैं श्योर नहीं बट मेरे को लगता है स्किन कलर ऐसे ही बनाया जाता है। तो फिर अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे स्किन का कलर बना सकते हैं। सेट करना है तो आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, लूज़ पाउडर है, तो सेट करना बहुत ईजी है। इफ़ यू डोंट हैव ऑल ऑफ दिस तो आप पॉन्ड्स का पाउडर जो आता है घर में, सबके घर में होता ही है, या फिर आपका टेलकम पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने वो पूरा स्किन का अनइवन टेक्सचर बना रहा है और अब वो चीज़ हमारे स्किन जैसी लग रही है। इसके बाद क्या करना है, आई शेडोज़ की बारी आ गई। आई शेडोज़ का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आई शेडोज़ की जगह आई शेडोज़ का ही यूज़ हो सकता है। तो फिर आई शेडोज़ हमें लगाना है तो वही चीज़ करनी है। सबसे ज़्यादा डेप्थ यहाँ से हमने कट किया, सबसे ज़्यादा डेप्थ वहीं पर देने, सबसे ज़्यादा डार्कर आई शेडो हमें वहाँ यूज़ करने, और जैसे जैसे स्किन के पास आते जाएंगे वैसे वैसे उसको और ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करते रहना, वैसे वैसे ही कलर हमारे लाइटर होते जाएंगे। हाँ बस इसके बाद बस एक लास्ट स्टेप बचता है कि हमें ब्लड लगाना है, ब्लड हमें बनाना है। तो बेसिकली ब्लड के लिए क्या कर सकते हैं, वाटर कलर्स आते हैं, रेड कलर लो, उस वाटर कलर का जो रेड कलर होता है ना वो ज़्यादा फेक रेड लगता है, तो उसमें हल्का सा हमें टिंट देना, हल्का सा ब्लैक कलर मिला लेना है, उससे वो मेहरून लगता है और वो ज़्यादा रियल लगता है। तो फिर आप स्पंज यूज़ कर सकते हैं थोड़ा इधर उधर लगाने के लिए, ब्लड के स्पॉट्स एकदम ऑप्शनल है, मन किया तो लगा लो, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसी थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए, अगर वो नहीं है तो चलेगा। उसके बाद आप ब्रश लो अपना, कोई भी पेंटिंग ब्रश, कोई भी घर में कुछ भी अवेलेबल हो, या हाथ से ही लगा लो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्थ, सबसे ज़्यादा ब्लड वहाँ पे अप्लाई करना है, और थोड़े बहुत वाटर के ड्रॉपलेट्स इधर उधर फेंक देने हैं, और थोड़े बहुत खून टपका देने हैं, जिससे और मतलब कोशिश करनी है जितना ज़्यादा रियल लग सके ना इंजरी, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो जाओगे।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो फिर आप जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोस्थेटिक मेकअप है, मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया है। तो फिर आप इसको बड़े एरिया में भी कर सकते हैं, पूरा मतलब हाथ पे भी सेम ही प्रोसीजर कर सकते हैं और छोटे छोटे एरियाज पे भी कर सकते हैं, प्रोसीजर एकदम सेम ही रहेगा। सेकेंडली आप इसमें चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि सेफ्टी पिन काट के ऐड कर दिए, बस बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इन चीज़ों में क्योंकि ये आपको स्किन को टच भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सेफ्टी पिन घुसानी पड़ती है टिश्यूज़ के अंदर, ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आपको ये मेकअप ज़्यादा देर तक अपने स्किन पे नहीं छोड़ना है। फोर्थ पॉइंट और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट कि ये मेकअप अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं करना, नेक से नीचे नीचे कहीं भी ये सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फेविकॉल बहुत ज़्यादा हार्श होता है आपके फेस पे और आपके स्किन पे, बट कुछ घंटों के लिए करने में कुछ नहीं जा रहा पूरे बॉडी में, बट फेस पे तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना क्योंकि मैंने किया था ट्राई और मेरा फेस पूरा कुछ टाइम तक रेड ही रहा था जैसे कि मैंने पहले बताया ही था, तो फिर फेस पे नहीं करना है ट्राई। बस यही था आज की वीडियो के लिए, एकदम सिंपल चीज़ों से आप प्रोस्थेटिक मेकअप बना सकते हैं। इस मेकअप के लिए सबसे अच्छी बात है इसमें प्रिसीजन नहीं चाहिए, थोड़ा सा अनइवनली कलर अप्लाई करो, अनइवनली टिश्यूज अप्लाई करो, एकदम रफली हर चीज़ करना होता है, तो ये कोई भी कर सकता है। और वैसे भी नेक्स्ट मंथ हैलोवीन आने वाला है, मेरे को यही नहीं पता ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगी, बट जिस दिन मैं ये अपलोड कर रही हूँ आई थिंक इट्स सेप्टेम्बर 3 या 4, तो अक्टूबर में बेसिकली हैलोवीन आई थिंक एंड में, तो फिर तब काम आएगा ही। So bye, I hope you enjoyed, I hope you learned something from this video, take care. Pictures in earring, सबसे पहला step है कि you have to make a concoction, बाय यहाँ पे try किया था करने का ऐसे करके, तो ये main spot था इंजरी का और बाकी मेरा skin कुछ explain नहीं हो पा रहा मेरे से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान पॉइंट्स है और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो फिर फोर्थ पॉइंट एंड मोर वाओ, इसके बाद बस एक लास्ट स्टेप बचता है और